नमस्कार छात्रों, युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित युवाओं से इस पाठ को पिछले कक्षा में भी हमने देखा कि उपनिषदों में होने वाली जो एक शब्द है वो है निर्भरता। निर्भरता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, निर्भरता को हमें अपनाना है, कभी भी डरना नहीं है। और इतना ही नहीं, ये जो एक शब्द है उपनिषदों में होने वाला यह शब्द जो है निर्भयता, इसकी ही शिक्षा हमें सभी योगों को या तो सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह से कहते हैं। और इतना ही नहीं, गीता में होने वाले जो गीता का जो सार होता है उसे समझने के लिए पहले हमें अपने मांसपेशियों को, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तभी वह गीता हमें समझ में आती है। इस तरह से कहते हैं। और इतना ही नहीं, जो कृष्ण का जो कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उसे समझने के लिए भी हमें अपनी शक्ति को पहले बढ़ाना है, या तो हमारे मांसपेशियों को भी बढ़ाना, इनके वो भी बढ़ना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गीता हमें समझ में आती जाएगी। इस तरह से कहते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य के बीच में बहुत ही अंतर दिखाई देता है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में बहुत ही उनके विचारों में बहुत अंतर दिखाई देता है। इनके भारत देश जो ऐसा देश है जो हिमालय से कन्याकुमारी तक जो फैली हुई है, यहाँ पे अनेक राज्य को देखते हैं, वहाँ पे होने वाले लोगों को देखते हैं, एक एक विचार और दूसरे के विचार में बहुत अंतर होती है। उनके रहन सहन, उनका जो सत्कार आदर, यानी कि उनकी संस्कृति, सब कुछ में हम बहुत ही अंतर देखते हैं। और इस तरह से एक मनुष्य में होने वाले विचार दूसरे मनुष्य में होते नहीं है, इसलिए मनुष्य बहुत अलग होती है, अलग अलग लोग पाए जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक अलग होते पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसका अनुभव भी स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया है। उसके आगे हम कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ही अनंत ब्रह्म माना जाता है, और अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का देह मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जो होती है वो अव्यक्त ब्रह्म होती है, इनके ब्रह्म के जो रूप होती है किसी और में नहीं दिखता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में ब्रह्म होती है। मनुष्य के आत्मा जो होती है वही ब्रह्म का रूप होता है, इस तरह से कहते हैं। और इतना ही नहीं, कर्म भक्ति योग या ज्ञान, इन सभी के द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्म होने के साथ साथ हमें कर्म भक्ति योग और ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इस तरह से कहते हैं। यही धर्म का सर्वस्व है, कहते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे, एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक विचार ले लो और उसी विचार के नजरिए, उसी विचार के अनुसार अपने जीवन को बना लो। यानी कि एक जो विचार करते हैं, विचार यानी कि हमारी उद्देश्य होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, उस विचार से ही हम अपने जीवन को बना लें। उसी विचार के जरिए या तो उसी विचार को लेते हुए हमें अपने जीवन को बना लेना चाहिए।
देखिए जैसे कर उस विचार के बारे में हमेशा हमें सोचना चाहिए, उसी विचार के बारे में सोचना है, उसी विचार का स्वप्न देखना है, यानी कि पूरे रग रग में या तो मस्तिष्क मस्तिष्कों में उसी विचार प्रवाहित होनी चाहिए, उस तरह से उस विचार के बारे में हमें सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए जाए तो एक लड़का होता है, वो सोचता है कि मैं भागवत में हमेशा प्रथम में आ जाऊं, यानी कि जो एनुअल स्कोर्स होते हैं उसमें इस कॉलेज में मैं प्रथम स्थान में आ जाऊं, ये वो सोचता है। सोचने से क्या वो प्रथम स्थान में आता है क्या? नहीं आता, यानी कि वह सोचता है तो उस सोच को निज रूप में लाने के लिए उसे क्या करना है? उसका प्रयास करना है, उसके लिए वह कर परिश्रम करना है, यानी कि वो हमेशा उसी के बारे में सोचना है और उसके लिए जो कवायद करनी होती है वो सब कुछ करना है, यानी कि हर रोज भाग दौड़ करना है, उसके लिए प्रयत्न करने हैं, यानी कि जब वह समय आता है उस समय में उसे उस भाग दौड़ में पार्टिसिपेट होते हुए उसे उस भाग दौड़ में प्रथम आना है। जब वह भागदौड़ में प्रथम आ जाता है तब उसे अपने सोच की या तो उसने जो ठान ली थी, जो उसने सोचा था, वह आज सोच उसकी पूरी हो जाती है, यानी कि इस तरह से पूरी तरह से अपने लक्ष्य को उसी विचार के ऊपर हमें लेना है। ऐसे इतना ही नहीं, जितने भी भारत में या तो जितने भी महान व्यक्तियां होते हैं उन सभी व्यक्तियों का यही चरित्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने केवल एक ही सोच को पा लिया है और उसी सोच के जरिए उन्होंने अपने जीवन को बना लिया है। ऐसे बहुत सारे महान पुरुषों को हम देख रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, उसने सोचा था कि ब्रिटिश सरकार को खत्म करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने की, तो उन्होंने वही सोचा उसी के ऊपर बल दिया, पूरे जीवन भर उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने जो सोचा था और अंत में वही, यानी कि अंत में विजय किसका हुआ? गांधी जी की विजय हुई। इस तरह से यानी कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो है, ये केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसे महान व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, इन सभी महान व्यक्तियों का यही एक सफलता का रास्ता या तो मार्ग हमें देखने को मिलता है। इन धार्मिक कोशों का निर्माण भी इसी के जरिए, इसी रास्ते के जरिए हो चुका है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करता हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जगत में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा जो हृदय स्तर ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी सभी धर्मों का स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, यानी कि जितने भी धर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं उन सभी धर्मों का पालन करते हैं, उन सभी धर्मों को मानते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक के साथ एक धर्म है तो वहाँ पर भगवान है, दूसरा धर्म है तो वहाँ पर भी भगवान है, यानी कि किसी में भी जाओ तो हमें किसकी प्राप्ति मिलती है? भगवान की प्राप्ति मिलती है। तो हर एक प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं और कहते हैं कि वे स्वयं को भी इसी रूप में उपासना करते हुए पाए जाए और इतना ही स्वयं भी क्या करते हैं? सभी धर्मों का उपासना करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिद में जाऊंगा और वहां पे उनके साथ धर्म का उनका धर्म पालन करूंगा, ईश्वर की पालना करूंगा। और इतना ही जैसे कि ईसाइयों के गिरजा में जाते हैं और वहां पे क्रॉस
ज्यादा दूर होता है। जैसे कि मुसलमान जो होते हैं वह क्या कहते हैं, नमाज करते हैं, और जो गिरजा में ईसाई जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, घुटने टेक करके अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह ये भी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी भी घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। तरुणा बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, और उतना ही नहीं बौद्ध मंदिर में जाकर उनकी भी शिक्षा को लूंगा मानूंगा, इस तरह से कहते हैं। और इतना ही नहीं हिंदुओं के जो हिंदुओं होते हैं वो जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हिंदू होते हैं वे जंगल में जाकर जिस तरह से ध्यान करते हैं भगवान की उपासना करते हैं, उसी तरह से मैं भी हिंदुओं के साथ जाऊंगा, वहां पर मैं भी जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ जाकर उपासना करूंगा। यानी कि हृदय ज्योति स्वरूप, हृदय का जो ज्योति स्वरूप होता है, जो परमात्मा की परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की जो कारण होती है, यानी कि प्रत्यक्ष करने की जो उपासना होती है, ये सभी उपासना में करूंगा, इस तरह से कहते हैं। और इतना ही सभी धर्मों को मैं मानूंगा, इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। शिक्षा में भी तो जानता है उनका अटेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में घुस किया गया है, और जो आत्मसार पूरे बिना वहाँ हाजिर न पड़ा रहकर कड़क बचाया करता है। शिक्षा में भी तो जानकारी होगा ढेर नहीं है, शिक्षा उनकी शिक्षण जो होते हैं, जो शिक्षा होते हैं वो उनकी तो जानकारी होगा ढेर नहीं होती, यानी कि शिक्षा हम पा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पुस्तकें किताबें होती हैं, उनको पढ़ने के बाद ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन शिक्षा जो है वो ऐसा नहीं है जो विविध जानकारियों का देर, ये समझ लिया वो समझ लिया। जैसे कि आप जब टेंथ होने के बाद पीयूसी में आ जाते हैं तो बहुत सारी आपको विषयों को छूटना पड़ता है, जैसे कि कॉमर्स साइड जाते हैं, साइंस साइड जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, यानी कि आर्ट्स के लिए वहाँ पे अलग अलग विषयों को देते हैं। इस तरह से प्रत्येक भाग में अलग अलग विषयों का जानकारी हमें देखने को मिलती है, यानी कि शिक्षा जो है ये इतना सारा ढेर होती है वह ढेर नहीं है, बल्कि कहते हैं कि वह मस्तिष्क में पूछ दिया गया है, और जो आत्मसत्ता हुए बिना हाजन बड़ा रहकर भ्रमण मचाया करता है, यानी कि शिक्षा को नहीं मुझे, जैसे कि हमने आज पढ़ा तो हमें समझ में नहीं आया, वैसे ही हमारे मुंह नहीं गया तो हमारे मस्तिष्क में वैसे ही रह गया, तो वह नींद करने के बावजूद भी हमें नींद नहीं मिलती, आज समझ में नहीं आया तो आज नींद नहीं आई, ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है शिक्षा में, इनके ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है हमें विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। वे कहते हैं शिक्षक वो होना चाहिए जो जीवन का निर्माण करे, जो मनुष्य का निर्माण करे, और जो चरित्र का निर्माण करे, यानी कि शिक्षक जो होती है वह केवल विचारों को या तो केवल पढ़ने से या तो केवल उसको जानने से वह शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए उस शिक्षण पाने से हमारे जिंदगी बन जाए, यानी कि हमारा जीवन का निर्माण बन जाए। आज हमने एक शिक्षण पा ली है तो उसके बल पर हमें आगे की जिंदगी को बढ़ाना होता है, तो आगे की जिंदगी उस शिक्षा के ऊपर अवलंबित होती है, तो वो शिक्षा हमें आगे की जिंदगी को बढ़ा देता है। ऐसा जीवन का निर्माण होनी चाहिए, ऐसा शिक्षण हमें पानी है, मनुष्य का निर्माण कर। और उतना ही नहीं शिक्षण पानी है, यानी कि विद्या पानी तो हो गया, उतना नहीं बल्कि वह एक पूर्ण रूप से मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पूर्ण रूप से मनुष्य का निर्माण, जैसे कि उसको मनुष्य की तरह होनी चाहिए, या तो उसके हाव भाव पशु मृग के जैसे नहीं होने चाहिए, यानी कि वह मनुष्य पूरे तरह से
वह उस व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होना चाहिए। यदि आप केवल आज के बने हुए विचार का संताप कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को नष्ट करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आप केवल पांच ही पढ़े हुए विचारों को अगर आप स्थिर कर लेते हो, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हो, तो आप ऐसे व्यक्ति महान व्यक्ति बन जाओगे जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर ये पूरी तरह से ग्रंथालय को पढ़कर कंठस्थ कर लिया हो तो भी उसके समान आप बन जाते हो। आपने केवल पांच ही विचारों को, पांच ही और भी परखे हुए विचारों को अपनाया है जीवन में तो भी आप उन उस व्यक्ति के समान हो जो पूरे ग्रंथालय को पढ़कर कंठस्थ कर लिया हो, उस व्यक्ति के समान आप भी बन जाते हो, उससे अपेक्षा अधिक शिक्षित आप बन जाते हो। इस तरह से विवेकानंद जी कहते हैं अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करें। नेता बने की इस दूर उन्मत्तता के बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। यानी कि अपने भाइयों का नेतृत्व करना है समाज में या तो इस संसार में या तो इस समाज में या तो इस कुटुंब में, हमें अपने ही कुटुंब को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं या तो अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, तो हमें केवल नेता बनकर आगे नहीं बढ़ना है, उसका नेतृत्व करते हुए आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हमें अपने भाइयों की सेवा करते हुए आगे उसकी सेवा करते हुए हमें आगे बढ़ना है, सेवा करने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। नेता बनने की जो क्रूरता होती है, नेता बनने की जो बड़े बड़े जीवन रूपी जहाज है, बड़े बड़े जहाज भी इस जीवन रूपी समुद्र ने क्या किया है, उसे डुबो दिया है। यानी कि यह जो जीवन होती है यह एक समुद्र के समान है, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलता है, इसलिए हमें नेता बनने की जो क्रूर पागलपन होती है उसे हमें छोड़ना है। केवल हमें क्या करनी है, केवल हमें वह उनकी सहायता करनी है, उन भाइयों का नेतृत्व नहीं करना है बल्कि उनको उनकी सहायता करनी है, उनकी सेवा करनी है। फल तो उसका फल जो होती है वह अपने आप ही हमें मिलती है। यानी कि कबीरदास का एक दोहा क्या कहा है, कर्म करो कर्म करो कर्म से फल की अपेक्षा न करो। यानी कि सदा कर्म करते रहना चाहिए, उस कर्म करते रहने से हमें उसकी उसके फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। फल जो होती है, कर्म का फल जो होता है वह बाद में हमें अपने आप ही मिलता चला जाता है। इस तरह से हमें क्या करना है, नेता नहीं बनना है, नेतृत्व नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, केवल अपने भाइयों का सेवा करनी है। नहीं तो वह जो नेता बनने की जो पागलपन होती है, यह पागलपन क्या करती है, जीवन रूपी समुद्र क्या करती है, उस नेता की नेता नाम का जो जहाज होता है उस जहाज को डुबो देती है। हमारे स्वभाव में भी संगठन का सर्वथा पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है निष्ठा का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो, यही है संगठन का पूरा रहस्य। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि एक संगठन हमें करनी चाहिए तो वह संगठन पूरी तरह से पूरे रूप से नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे हमारे स्वार्थ ईर्ष्या जो भाव होती है वो हमें ज्यादा होती है, इसलिए हमारे हमारे अपने अपने बीच में ही संगठन नहीं बन पाती है। इसकी अभाव हमें देखने को मिलती है, संगठन की जो अभाव होती है वह
हमें सामने देखने को मिलती है। ये जो संगठन का जो अभाव है, हमें अपने स्वभाव में ही इसको लाना है। इस अभाव को दूर रखते हुए सभी को क्या करना है, अपने स्वभाव में संगठन को लाना है। यानी कि यह जो संगठन नहीं बनता है, इसका जो कारण क्या है, इसका कारण जो है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या करने की जो भावना होती है मनुष्य में, वही संगठन की बाधा होती है। अगर मनुष्य में एक ईर्ष्या नहीं होती है तो हर एक व्यक्ति यानी कि पूरे समुदाय, पूरा जो समाज होता है संगठित रहता है। अगर मनुष्य में ईर्ष्या की भावना होती है तो वहाँ पे संगठन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ईर्ष्या की इस भाव को हमें छोड़ देनी चाहिए, अपने भाइयों के मत से सहमत करनी चाहिए, सदैव तैयार उसके मत से सहमत रहना चाहिए, उसके मत से तैयार रहना चाहिए, अपने विचार समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पूरे रूप से संगठन बन सकती है। यानी कि हमारे विचारों को उतना ही व्यक्त करना नहीं, बल्कि दूसरा कोई बता रहा है, दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो वह क्या कहता है उसके बारे में भी हमें सोचना है। या तो उसके जो कहने की जो उसके लिए कहने के लिए कुछ हमें समय देना है, यानी कि उसके कहना भी हमें सुनना है। इस तरह से हमें प्रति के बात को सुनते हुए हमें क्या करनी है, संगठन बननी है और ईर्ष्या भाव को दूर रखना है। यही संगठन का पूरा रहस्य है। संगठन होने के लिए यह एक रहस्य है। इस रहस्य के जरिए हम संगठन कर सकते हैं। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा दलपति और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लुटेगा। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वे यही चाहते हैं कि आत्म प्रतिष्ठा दलपति और ईर्ष्या इन सभी को हमें छोड़ देना। यानी कि जो आत्म प्रतिष्ठा है वह मन में होने वाली आत्म प्रतिष्ठा दलबंदी ईर्ष्या की जो भाव, ये सभी को हमें छोड़ देनी चाहिए। और हमें जैसे जिस तरह से पृथ्वी माता है उस तरह से हमें सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी माता इतनी सहनशील जो है, मनुष्य के जितने भी कर्म होते हैं उन सभी को वह अपने अपने में समेट लेती है और ऐसे शांत रहती है कि मनुष्य ने मनुष्य जाति ने कुछ भी न किया। उस तरह से उतनी सहनशीलता हमें पानी है। यानी कि जिस तरह से पृथ्वी, जिस तरह से यह जो पृथ्वी सहनशीलता है उसी की भांति हमें भी सहनशील रहना चाहिए। इस तरह से कहते हैं यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लेटेगा। यदि तुम सहनशीलता को प्राप्त करोगे तो पूरी संसार आपके पैर के ऊपर आ जाएगा, तो पैर के ऊपर आ पैर के नीचे आ जाएगा। इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पूरे भारत के नव युवक और नव युवतियों को इस तरह से बुलावा दे रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस देश में होने वाले जो निर्गतिक धनहीन और जो भूखे मर रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको सुधार करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को प्रेरित दे रहे हैं। यहाँ तक के नवयुवक युवाओं से यह पाठ समाप्त हो जाते हैं। इनमें से होने वाले एक शब्द या एक वाक्यांश वाक्यांश में उत्तर लिखिए, चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे जैसे मैं बताते जाते हूँ, प्रश्न पूछते जाते हूँ, आप आंसर दीजिएगा या तो साथ के साथ मैं भी आपके साथ बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है, किन पर है, नई पीढ़ी के नवयुवकों पर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है, क्या है बताओ, त्याग और सेवा।
कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निस्वार्थ व्यक्ति। असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? प्रेम। किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? नास्तिक है। कमजोरी किसके समान है? मृत्यु की। सबसे पहले हमारे तरुण लोगों को क्या बनना चाहिए? मजबूत बनना चाहिए। प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। इनमें से होने वाले हैं विलोम शब्द देखिए, आशा निराशा साधारण असाधारण स्वदेश विदेश स्वार्थी निस्वार्थी कीर्ति अपकीर्ति शिक्षित अशिक्षित पवित्र अपवित्र जन्म मरण निर्धन धनवान मजबूत ढीला धर्म अधर्म नास्तिक आस्तिक। समानार्थक शब्द शब्द लिखिए, समानार्थक शब्द देखो, नवीन नया पुरोहित पंडित जंगल अरण्य वन पहाड़ गिरी अचल ईश्वर ईश्वर भगवान साहस साहस धैर्य वीर शूर तरुण तरुण युवक जवान युवा अधिक अधिक ज्यादा बढ़कर। बाकी जो प्रश्न उत्तर है वो आप लिख लीजिए आज के लिए ना।